जी, आपको मैं एक क्विक अपडेट देना चाहती हूँ, क्योंकि ये कोई व्लॉग नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। तो मैं काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं शूट किए हैं, करीब 10-12 दिन हो गए हैं। जो मैंने अभी डाले थे वो पिछले वीडियो हैं, और पिछले वीडियो कुछ अभी भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको अपडेट दे दिया जाए, तो कि क्या चल रहा है लाइफ में उसके लिए। तो अभी आपको सबको पता है कि मैं मायके आई हूँ, और मायके मतलब मुझे आए हुए 1-1.5 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है, 1 महीना कंप्लीट हो गया है, कुछ दिन और हो गए हैं। नवरात्रि में मैं घर जाने वाली हूँ। तो क्या हुआ कि अभी कुछ दिन से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। जैसा मैंने आपको कई व्लॉग में हिंट दिया था कि मम्मी की तबीयत नहीं सही है, मम्मी की तबीयत नहीं सही है, लेकिन अचानक से उनको बहुत तेज़ दिक्कत हो गई। हम सारे लोग बैठे थे आराम से, मतलब कोई ऐसी जैसे वो हमेशा रहती है ना, बस वैसे ही थी। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ मेजर होने वाला है या फिर कुछ बहुत दिक्कत आने वाली है। तो क्या हुआ कि वो खाना पीना सब लोग हम लोग खा चुके थे, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, मैं और भतीजे गुड्डी सारे लोग। तो अचानक से उनको बहुत तेज़ फीवर आया, और वो फीवर इतना तेज़ था ना कि मतलब बहुत तेज़ था, और फीवर के साथ साथ उनको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ठंड इतनी लग रही थी कि हम लोगों ने उनको रजाई और पहले चद्दर दिया, हम लोगों ने सोचा कि नॉर्मली होगा वो बुखार की वजह से, तो दवा दी गई उनको और फिर चद्दर दिया गया, बट वो चद्दर से नहीं हुआ। फिर कंबल, रजाई और 2-3 कंबल डाले गए, फिर भी वो लगातार कांप रही थी, बहुत ज़्यादा कांप रही थी। तो इतने मतलब इतना दिक्कत थी ना उनको, कि उस टाइम का जो अभी भी सोच आ जाता है ना, तो अभी भी जब सोच में आ जाता है ना तो बिल्कुल आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइप का हम लोगों ने अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा था। मतलब इतना बुखार, और बुखार के बाद फिर उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई, और पूरी रात वो बुखार से, और इतना दिक्कत हुई उनको कि फिर उनको सुबह करीब 4 बजे के आसपास उनको लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मम्मी के साथ गुड्डी भी गई थी, पहले गुड्डी नहीं गई थी, बट जब वहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि बस लेके जाएंगे और फिर वहाँ से वापस ले आएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बुखार है, लेकिन जब वो मम्मी हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे उनको फिर एडमिट कर लिया गया, और गुड्डी को भी फिर बुलाया गया। तो गुड्डी गई कुछ घर के बिस्तर लेके, क्योंकि आप सबको पता है कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो घर के बिस्तर लेके गुड्डी गई थी, बिस्तर में तकिया और चद्दर था, तो गुड्डी को भी रुकना पड़ा था। और 3 दिन मम्मी एडमिट थी, वो 3 दिन हम लोगों ने कैसे काटे ना, वो बस हम लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग मम्मी के बिना रहे हों कभी। मतलब शादी के पहले भी बहुत कम हुआ है कि मम्मी कहीं गई हूँ, और ज़्यादातर हम ही लोगों के साथ होती हैं। और शादी के बाद तो एक बेटी पे क्या बीती ना, वो आप सब समझ सकते हो। मैं उस टाइम पे मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी। तो आज मम्मी अब आ गई हैं, 4-5 दिन हो गए हैं मम्मी को हॉस्पिटल से आए हुए, तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे दिया जाए। और अब मम्मी काफ़ी बेटर महसूस कर रही हैं। तो उनको क्या हुआ था कि उनको किडनी इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा, तो और शुगर उनका 500 के पार हो गया था, बीपी एकदम हाई लेवल था, सारी दिक्कतें उनको ज़्यादा थी। और मम्मी मेरी ना ऐसा है कि वो ध्यान भी नहीं रख पाती हैं खुद का, क्योंकि होता है जैसे आपको खुद बनाना हो, खुद खाना हो, तो वो परहेज भी नहीं कर पाती हैं। अगर अभी हम लोग हैं तो हम लोग तो उनको चावल, आलू ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं, क्योंकि उनको शुगर की दिक्कत है, लेकिन अगर हम लोग नहीं रहते हैं तो वो बनाती हैं और वो खाती भी हैं, क्योंकि जाहिर से औरत हूँ, वो सबका तो पूरे घर का ध्यान रखेगी, लेकिन वो खुद का नहीं रखती। और मेरी मम्मी भी वैसी ही हैं, वो खुद का नहीं ध्यान रखती, पूरे घर का बहुत अच्छे से। तो ये था, और अभी मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, पता नहीं कब बनाऊँगी, पता नहीं बनाऊँगी भी कि डायरेक्ट जाने वाला बनाऊँगी। तो काम भी हो जाता है काफ़ी हद तक, मम्मी की भी केयर करनी होती है, साथ में जो घर का काम है वो भी आप लोग जानते ही हैं। अभी उनकी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई, एकदम ठीक नहीं है, लेकिन हाँ का पहले से काफ़ी ज़्यादा
ठीक हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ प्रे करिए जल्दी से ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये इस टाइम पे ना जो हम लोगों ने सहा है, मैंने और गुड्डी ने, तो दीदी लोग भी, तो दीदी दीदी लोगों का तो क्या होता है कि वो लोग दूर हैं और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा दिक्कत है, देख नहीं सकती। हम लोग तो सब कुछ देख रहे हैं कैसी हालत है क्या है। तो चलिए खैर, बस आपको यही बताना था। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।